दोस्तों कुछ समय पहले तक सोशल मीडिया के क्यूट कपल माने जाने वाले सिमरन नरूला और ईशान बग्गा अब अलग हो चुके हैं। एक टाइम पर सिमरन की फैमिली ईशान को अपने बेटे जैसा मानती थी। सिमरन और ईशान को सोशल मीडिया पे प्रसिद्धि टिकटॉक से मिली, जो इंडिया में अब बैन हो चुका है। ईशान ने सिमरन को टिकटॉक पर ही देखा था और वहीं से उन्होंने इनको इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। क्योंकि ईशान भी फेमस थे तो सिमरन ने ईशान से बात कर ली। पहले कुछ दिन इन दोनों की चली, उसके बाद ईशान ने सिमरन को प्रपोज कर दिया। पहले तो सिमरन ने मना कर दिया और मना करते करते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। सिमरन के परिवार को इम्प्रेस करने के लिए ईशान ने सिमरन के भाई सैम नरूला से दोस्ती कर ली और वो सिमरन के घर आने लगे। धीरे धीरे ईशान ने सिमरन के घर वालों के बीच एक खास जगह बना ली। फिर एक दिन सिमरन ने अपने परिवार वालों को बता दिया कि वो ईशान से प्यार करती हैं और एक दूसरे से ये दोनों शादी करना चाहते हैं। पहले तो सिमरन के पापा ने मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सारे परिवार वाले यही चाहते हैं तो उन्होंने भी हाँ कर दिया। दिसंबर 2021 में ईशान और सिमरन की सगाई हुई। इनकी सगाई की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हुए। दोस्तों कुछ समय पहले ईशान बग्गा का सिमरन के सामने ऐसा चेहरा सामने आया जिसने सिमरन की सारी उम्मीदें सपने भरोसा तोड़ के रख दिया। वैसे तो सिमरन कनाडा अपने भाई भाभी के साथ रहती हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले जब वो इंडिया आई, उनके दोस्तों ने उन्हें बताया कि ईशान एक बहुत बुरा लड़का है। वे दूसरी लड़कियों से संबंध रखते हैं और रिलेशनशिप में होते हुए भी दूसरी लड़कियों के साथ फिजिकल होते हैं। पहले तो सिमरन को इस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब ईशान की कॉल रिकॉर्डिंग उनके पास आई तो सब कुछ साफ हो गया। ईशान एक लड़की से गंदी बातें कर रहे थे और जिस लड़की से वो ये बातें कर रहे थे उसी ने ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दी। इसके बाद सिमरन का दिल लगभग पूरी तरह से टूट गया और वो डिप्रेशन में चली गई। चलिए दोस्तों अब आपको वो ईशान की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बड़ी ना क्यूरियोसिटी थी फ्रॉम डे वन, मतलब नहीं डे वन जो कार सेक्स था वो ही इतना अच्छा था। हाँ उसी की बात कर रही हूँ। अच्छा वही इतना अच्छा लगा तुम्हें? अच्छा। मैं आके दो दिन डिप्रेशन में रही, मैंने कहा इतना एग्जैक्ट नहीं हो सकता। या तो ये कोई सिरे का वो होता ना कैंडी बॉय कैसिनोवा टाइप है, या तो रब्बा कैसे बताऊं। नहीं बट काउंट मेरा कम है बेबी, सीरियसली माय काउंट इज ऑन गर्ल्स, लाइक गर्ल्स वाली बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे सेक्स काउंट तो पता नहीं, गर्ल्स काउंट है मेरा मे बी मतलब। अच्छा अलग अलग काउंट्स हैं ये गर्ल्स काउंट, मेकआउट्स इज मे बी 5 to 6 गर्ल्स मे बी। हाँ क्योंकि मेरा 8th क्लास में 7th क्लास में मेरा फर्स्ट सेक्स था। हे भगवान, आई है हम दो मिनट निकाल दिया ऐसे, मैं तो उम्र भर बच्ची रहेगी। अच्छी बात है। मेरी एक्चुअली ना जो मेरी सोसाइटी थी ना, वो जो मेरे साथ अभी घूमते हैं वो भी मेरे से 8-10 साल बड़े ही हैं। तो मैं अपने जो मेरे हम उम्र है मैं उनके साथ नहीं घूमता। अच्छा तो मतलब ओके नाइस। मैं तो मेरे को दो दिन तो आगे डिप्रेशन रहा था, मैंने कहा यार इसका तगड़ा ही काउंट होगा। नहीं तुमने जन्नत देख ली ना? हाँ ठीक है फिर तो अच्छी बात है, लड़की कुछ कर दी मैंने। नहीं पर मेरा ना कभी मतलब ऐसे मतलब कभी मेरा बैड सेक्स कभी नहीं किया मेरा, सीरियसली भगवान की दिया है शुरू से ही होता है। हाँ नहीं सीरियसली भगवान की दिया से कभी मेरा बैड सेक्स कभी नहीं किया मेरा। मैं भी फुल सेटिस्फाई होता हूँ। हाउ ऑफन मतलब कितने टाइम के बाद? यार ऐसे नहीं होता, वैसे मतलब मैं वेट कर लेता हूँ, ऐसे नहीं कुछ मतलब कि मेरे को तलब नहीं लगती है ना। आहा। I can hold myself easily. Last कब था? I can wait.
तुम्हारे साथ उसके पहले लास्ट कब मेबी 6 months बैक, 5 or 6 months बैक। था? इतना लंबा गैप? नहीं यार, हाँ कसम से यार, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं इतनी मेरे को चीजें खुद में सच सच स्पेशल बता फील दी। हो रहा है यार, हाँ जी मेरे को खुद में स्पेशल फील होने लगा यार, मतलब इतना हाँ टाइम। नहीं सीरियसली नाइस नाइस नाइस, मेरी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शॉकिंग। मतलब और बताओ जी, मुझे तारीफ नहीं मिलेगी? यू वर गुड, दैट इज व्हाई आई हैड अ मेकआउट विद यू नेक्स्ट टाइम आल्सो, बिकॉज़ आई वांट टू मीट यू अगेन इफ योर हिंदी एक्सेंट इज सो गुड, देन वाई एंड वाई, मतलब मेरे को व्लॉग देख रही थी मैं, और वहां पे इतनी टूटी फूटी हिंदी क्यों निकल रही थी? किसकी मेरी जबरदस्ती वाली? हाँ कब? यार, पता नहीं, एक व्लॉग था, हाँ जी मैंने कहा एक व्लॉग देखा था मैंने, जिसमें ना बड़ी जबरदस्ती हाँ वाली हिंदी निकल रही थी। इफ योर हिंदी एक्सेंट इज सो गुड, तो हाँ व्लॉग में इतनी जबरदस्ती वाली क्यों निकल रही थी? मैं ना जब नॉर्मल टॉक करता हूँ तो मेरा गुड होता है, जब मेरे सामने कैमरा होता है ना तो मुझे थोड़ी सी ऑकवर्ड सी फीलिंग आती है। आई डोंट लाइक कैमरा एक्चुअली, बट मेरी कोई निजी जिंदगी रिकॉर्ड करे आई डोंट लाइक मैंने दैट, तुम्हारा अभी क्योंकि तक ना मेरे पंजाबी एक्सेंट अपने गानों से नहीं सुना, पता? मतलब मतलब तुमने मेरे सामने बोली नहीं। हाँ जी हाँ जी, आई सही वुड लाइक टू है की हेयर, मुझे सुनना पसंद करूंगी मैं। हाय बोलना हाय, नहीं दसो नहीं मैं गल पंजाबी जी भी कर सकता, कोई गल नहीं तुसी दसो ओदे है ही ना, मुझे बोलना, आनी पर चाहिए यार, तुम लोग मुझे सिखाते ही नहीं हो। मेरे पंजाब वाले दोस्त ऐसे हैं, तुम लोग मतलब मतलब पंजाब वाले दोस्त मेरे जो दो तीन है, सिखाते ही नहीं यार, वो मेरे साथ हिंदी हो जाते हैं, उनकी शिफ्ट हो जाती है। मेरी बात सुन, पहले तो मुझे ये बता तुमने कितने मेकआउट्स किए आज तक? मैंने दो हाँ दो दो, मतलब सेक्स काउंट और बॉय काउंट? मेकअप। मेकआउट यू डिड ना, देयर वाज 3 मेकआउट एक्चुअली। मेरे हाँ जी, खाओ। वन विद योर एक्स और समथिंग? अच्छा, तो वो गिन के बोल रही हूँ ना मैं, कि अदर वाज ओनली मेकआउट। अच्छा, बेबी मेरे मैंने साथ मुझे क्यों कलर ऐसा मिला लग रहा है कि के। मैंने हाँ मैंने सब बता दिया? जी ओहो, मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है मैंने सब पहले ही बता दिया, अपने राज खोल चुकी हूँ मैं। हाँ, तुमने बता दिया तुम्हारी एक्स के साथ तुमने किया है, एंड एक अच्छा, बता चुकी हूँ मैं। बार ही किया है, पर उसने अच्छा नहीं किया, उसका जल्दी हो गया। नहीं, वो फर्स्ट टाइम तो और सबका यही होता है यार, फर्स्ट, क्योंकि मेरे को जहाँ जितनी मेरी दोस्तों ने एक्सपीरियंस दिया ना मेरे को, तो उन्होंने यही बोला कि फर्स्ट टाइम इट इज वेरी मतलब शॉर्ट पीरियड। ब्लीडिंग कितनी हुई थी हुआ तो फर्स्ट यार, टाइम में? अरे अरे अरे, वो तो मत पूछो, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था मोस्टली, अभी 6 महीने हुए। क्यों? अच्छी बात है, मेरी बारी ब्लीडिंग की नहीं हुई थी, शुक्र। मतलब मुझे लगता है कि मैन लाइक मतलब लड़के प्रेफर करते हैं कि वर्जिन और बताओ कुछ, तुम बाहर घूम रहे हो? हो। नहीं, मैं बाहर निकली थी तेरे से बात करने के लिए। मैं कह रही हूँ कि लड़के तो प्रेफर करते हैं ना कि लड़की वर्जिन हो, हाँ जी, अरे लड़के तो प्रेफर करते हैं ना कि लड़की वर्जिन हो। ना आई डोंट लाइक दैट ब्लड सीन, हाय हाय हाय, क्या नो थैंक। वैरायटी है यार, अलग अरे ही मुझे वैरायटी है। ऐसा कुछ ना, सेक्स मेरा शौक नहीं है पता है मुझे, मतलब ऐसे नहीं होता कि यार मैं सेक्स करना ही करना है, मैं छोड़ो जो मर्जी हो रहा है सेक्स ही करना ना, because I have my some fucking self respect too and I Obviously. can't just तो अगर split मैं and पूछूं कि flick. why me, तो फिर Why me and why you? Because because there were other chicks also. I like your way that you was looking towards me, because we were standing there 7 to 8 guys, but you were looking at me only हाँ, तो and90% ऑफ द चिक्स वर लुकिंग एट यू। I don't give a fuck at anyone, because if my eyes are on you, then I would prefer only you, not other chicks. हाँ That is the main thing. हाँ Because नाइस।
whenever I go out or whenever I go with my friends or etc., all chicks are on me. That is why I don't give a fuck about any chick. ये मैंने बाद में रियलाइज And किया था, पता देखो हाँ, मैंने बड़ी so I don't बाद give a में रियलाइज fuck. किया कि ओ कि जहां मेरी नजर है वहां सबकी है, नहीं, मेरे फ्रेंड्स तो कहते होते हैं कि तू भाई तू तो रोज ही सेक्स कर सकता है एक बारी, तो अगर तू चाहे तो नौ भी बकरी बकरी लड़की के साथ. बट बात तो मेरे यार को इनके नहीं ना साथ वो, है। नहीं वो फैक्ट नहीं ना, बट ऐसे नहीं ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना कोई, फिर हर एक किसी को थोड़ी ना मिल सकते हैं वो. यार तुम एक दोस्त था तेरा यार, मुझे नाम नहीं याद। ये अरे सेक्स किसी किसी को नसीब होगा इसलिए. होए 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 हाँ, होए 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 अगर ये लकी सबको मी। नसीब, अगर ये सबको नसीब होगा तो फिर तो मैं कॉमन बन गया ना फिर तो. सही हाय हाय हाय, ओए है कि नहीं ओए सही? ओए रब्बा मेरे, मैं सदके जावा, मैं बारी जावा, ओए रब्बा। ये बात सही है, एक तो बता. नहीं ये बात तो सही है, ऑब्वियसली मतलब बट कॉमन नहीं होना ना। मतलब वो आई तेरा तो डोंट वैसे लाइक भी योर अलग वन सीन है यार, थिंग, यू कौन डिडंट लाइक माय डी. तो एक एक ना चीज, हर एक प्रोसेस होता है। वुड यू प्लीज रिकलेक्ट द टाइम दैट यू हैड विद मी, हाँ प्लीज। इट वाज ऑलवेज शान एंड 15 अदर्स। अरे, बट दैट वाज वन ऑन वन ना, व्हेन वी वर इन अवर हाँ तो कार वन एंड ऑन, व्हेन वी वर इन हाँ तो अवर वन ऑन कार. वन, हाउ मच टाइम? अरे जब हम कार में थे तो हम वी हैड सेक्स टू इट ना. इट टेक्स टाइम टू डेवलप अ माहौल। बट आई डिडंट टेक एनी टाइम. अरे पर